इस वर्ष सरसों की अधिक पैदावार होने के बावजूद भी सरसों एवं सरसों तेल का दाम में कहीं से भी गिरावट नहीं देखी जा रही है। मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, लॉकडाउन से पहले सरसों तेल की कीमत 135 से 140 रुपए लीटर बिक रही थी, वहीं दोस्तों अभी सरसों तेल की कीमत 180 से 200 रुपए लीटर पार हो गए। दोस्तों बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सरसों की पैदावार बहुत ही ज्यादा हुई थी, मगर फिर भी सरसों का जो दाम है भी हाईएस्ट 8300 रुपए क्विंटल आगरा सलोनी मंडी में बिक रही है। बताया जा रहा है कि दोस्तों खाद एवं तेलहनों के मामलों में भारत अभी भी 70% दूसरे देशों पर निर्भर है। दोस्तों अभी भी भारत 70% खाद्य पदार्थ का तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट कराता है इस देश की आपूर्ति को पूरा करने के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर वर्ष भारत 75,000 करोड़ रुपए खर्च करता है दूसरे देशों से खाद्य पदार्थ तेलों को इंपोर्ट करने में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी भी सरसों का जो दाम है दोस्तों हर रोज 200 से 300 रुपए क्विंटल बढ़ ही रही है। गैस मैं बता दूं, जिन किसान भाइयों ने ज्यादातर मात्रा में सरसों का स्टॉक किया तो उन्हें भी काफी अच्छी कीमत अपनी सरसों का मिला है। दोस्तों अब ये सवाल उठती है कि दोस्तों कब तक सरसों का जो दाम है बढ़ता रहेगा और कब तक इसका दाम बढ़ेगा और कहां तक हाईएस्ट सरसों का भाव जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट सरसों का भाव 8300 से 8400 रुपए क्विंटल आगरा सलोनी मंडी में चली गई है। दोस्तों वहीं किसान भाइयों, अगर आज का सरसों मंडी की बात कर ले दोस्तों, तो आज सरसों मंडी में कुछ गिरावट देखी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी सरसों का जो मंडी भाव चल रहा है दोस्तों, हर रोज कुछ ना कुछ गिरावट या कुछ ना कुछ तेजी जरूर देखा जा रहा है। दोस्तों अभी सिरसा मंडी में 64 से 84 रुपए क्विंटल आज सरसों बिकी है, सिवानी मंडी में 65 से 50 रुपए क्विंटल सरसों बिकी है। तो बहुत जल्द इन सभी मंडियों में 7000 का आंकड़ा को सरसों पार करने वाला है। और अभी दोस्तों कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कब तक सरसों का दाम बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। दोस्तों हालांकि अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेलों का दाम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, इससे घरेलू बाजार में भी ऑटोमेटिक ही तेल एवं सरसों का दाम बढ़ जाता है। तो जब भी दोस्तों इसकी अपडेट आएगी कि कब दाम घटेगी या कम बढ़ेगी, आपको इस चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। तो सरसों मंडी भाव भी दोस्तों इस चैनल पे आपको डेली मिलती है, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, किसान मित्रों, आपको इस चैनल में इसी प्रकार से वीडियो हर रोज मिलती रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।